नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास प्रोग्राम भव्य दर्शन में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे करवा चौथ से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में, इस व्रत का क्या महत्व है और देश के अलावा विदेशों में बढ़ते चलन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर और नवंबर महीना हिंदू त्योहार साथ लेकर आता है, साथ ही साथ इन महीनों की शुरुआत में ही मौसम अपना मिजाज बदलता है और धीरे धीरे ठंड आ जाती है। वैसे आप सभी जानते होंगे कि पहले गणेश चतुर्थी, फिर नवरात्रि और अब हम करवा चौथ और दिवाली का इंतजार कर रहे हैं। वैसे सुहागन महिलाओं के लिए ये त्योहार काफी महत्वपूर्ण है, तो चलिए करवा चौथ से जुड़े हर एक जानकारी हम आपको विस्तार से बताते हैं। करवा चौथ, इस व्रत का महिलाओं को साल भर इंतजार रहता है। वही इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवम्बर को मनाया जा रहा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ के रूप में मनाए जाने की परंपरा है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की दीर्घायु की कामना करती है। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से शुरू होता है और शाम को चांद निकलने तक रखा जाता है। शाम को चंद्रमा के दर्शन करके अर्घ्य अर्पित करने के बाद पति के हाथ से पानी पीकर महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। इस दिन चतुर्थी माता और गणेश जी की भी पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था? पौराणिक कथाओं के अनुसार करवा चौथ की भी कई कथाएं हैं, तो चलिए हम आपको विस्तार से करवा चौथ की कथा सुनाते हैं। करवा चौथ उत्तर भारत के खास त्योहारों में से एक है, जो खास तौर से विवाहित महिलाओं के लिए है। ये हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को देखकर ही व्रत खोला जाता है। ये व्रत खास तौर से उत्तर भारत जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में ही किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश और शिव पार्वती जी के साथ करवा माता की पूजा खास तौर से की जाती है। अगर बात करें करवा चौथ के इतिहास की, तो करवा चौथ की कई कथाएं प्रचलित हैं। लेकिन ऐसी मान्यता है कि ये परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। कहा जाता है कि देवताओं और दानवों के युद्ध के दौरान देवों को विजयी बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने देवों की पत्नियों को व्रत रखने का सुझाव दिया था, जिसे स्वीकार करते हुए इंद्राणी ने इंद्र के लिए और अन्य देवताओं की पत्नियों ने अपने पतियों के लिए निराहार निर्जल व्रत किया। नतीजा ये रहा कि युद्ध में सभी देव विजयी हुए और इसके बाद ही सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी और आकाश में चंद्रमा निकल आया था। मान्यता है कि तभी से करवा चौथ का व्रत शुरू हुआ। ये भी कहा जाता है कि शिव जी को प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने भी इस व्रत को किया था। महाभारत काल में भी इस व्रत का जिक्र है और पता चलता है कि गांधारी ने धृतराष्ट्र के लिए और कुंती ने पांडु के लिए इस व्रत को किया था। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7ों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। प्यार इतना था कि वो पहले उसे खाना खिलाते और बाद में खुद खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आए हुए थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। ऐसे में सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वो दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वो ऐसा लगता है
कि जैसे चतुर्थी का चांद हो। भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। इससे वो बौखला जाती है। तब उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वो पूरे एक साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वो एकत्रित करती जाती है। एक साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कह देती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वो आए तो तुम उसे पकड़ लेना, और जब तक वो तुम्हारे पति को जिंदा ना कर ले उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कह के वो चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वो टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ शब्द का मतलब क्या है, कि आखिर इस पर्व का नाम करवा चौथ ही क्यों रखा गया? शायद बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। कहा जाता है कि करवा चौथ के व्रत के लिए महिलाएं मिट्टी का करवा लेकर पूजा करती हैं, जैसा कि आप सभी ने मार्केट में देखा ही होगा। लेकिन कुछ लोग चंडी, पीतल और स्टील के करवा से पूजा करते हैं। करवा चौथ की पूजा के लिए छलनी और करवा का बहुत अधिक महत्व है। लेकिन शायद आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि करवा क्यों? तो जैसा कि नाम से ही साफ है, करवा और चौथ। करवा का अर्थ है मिट्टी का पात्र और चौथ का अर्थ है चतुर्थी का दिन। इस दिन महिलाएं नया करवा खरीद कर लाती हैं और उसे सुंदर तरीके से सजाती हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जाकर सरगी खाकर व्रत की शुरुआत करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को छलनी से चांद देखकर पति की आरती उतारकर अपना व्रत खोलती है। लेकिन इस व्रत की मान्यता महाभारत काल से है। करवा चौथ की सबसे पहली शुरुआत सावित्री की पतिव्रता धर्म से हुई। सावित्री ने अपने पति की मृत्यु हो जाने पर भी यमराज को उन्हें अपने साथ नहीं ले जाने दिया और अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से पति को फिर से प्राप्त किया। दूसरी कहानी पांडवों की पत्नी द्रौपदी की है।
वनवास काल में अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी के पर्वत पर चले गए थे। द्रौपदी ने अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण से मदद मांगी। उन्होंने द्रौपदी को वैसा ही उपवास रखने को कहा जैसा माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। द्रौपदी ने ऐसा ही किया और कुछ ही समय के पश्चात अर्जुन वापस सुरक्षित लौट आए। तब से इस व्रत की खास मान्यता है और ये परंपरा अब लोगों के लिए फैशन बन गया है। लेकिन इसके पीछे कई फिल्मों का योगदान भी है। DDLJ यानी कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जैसे सिमरन राज के लिए व्रत रखती है और छलनी से चांद देखकर व्रत खोलती है। तब से देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी करवा चौथ के व्रत की महत्ता दिन पर दिन बढ़ती गई। सेलिब्रिटी हो या नॉर्मल महिलाएं, सभी के बीच करवा चौथ का विशेष महत्व है। लोग साल भर इंतजार करते हैं। ये उत्साह नई नवेली दुल्हनों के बीच ज्यादा देखने को मिलता है। महिलाएं इस दिन सलाह सिंगार करके चांद को देख अपना व्रत खोलती है और पति की लंबी आयु की कामना करती है। जैसा कि आप सभी को करवा चौथ की पौराणिक कथा के बारे में पता चल गया है, लेकिन इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट भी छुपा है। कहा जाता है कि उत्तर भारत, बिहार, हरियाणा, पंजाब, इन जगहों से प्राचीन काल में जब महिलाओं के पति युद्ध के लिए जाते थे और सालों घर नहीं आते थे, तो महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए निर्जला व्रत रखती थी कि उनके पति युद्ध से सुरक्षित घर लौट आए। करवा चौथ के व्रत में छलनी और चांद का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा को लंबी आयु का वरदान प्राप्त है। मान्यता है कि चंद्रमा ब्रह्मा जी का रूप माना जाता है। चंद्रमा सुंदरता और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। उनकी पूजा करने से दीर्घायु प्राप्त होती है। यही कारण है कि करवा चौथ के व्रत में महिलाएं छलनी से चांद को देखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। वही पौराणिक कथा के अनुसार करवा चौथ की पूजा की थाली में छलनी का काफी महत्व होता है। महिलाएं पूजा की थाली के साथ छलनी को भी सजाती हैं। फिर जब शाम में वो व्रत खोलती है तो उसी छलनी से पति का चेहरा देखती है। इस दौरान वो छलनी में दीपक भी रखती है। छलनी से पति का मुंह देखने के बाद पति अपने हाथों से पत्नी को पानी पिलाते हैं और फिर ये व्रत पूर्ण हो जाता है। वैसे इसलिए किया जाता है क्योंकि प्राचीन काल में जब करवा के पति की मृत्यु हो जाती है तो इंद्राणी करवा से कहती है कि एक साल बाद तुम करवा चौथ के दिन छलनी से चांद देखने के उसी छलनी से अपने पति का मुंह देखना, जिससे तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। तभी ये परंपरा है कि करवा चौथ में महिलाएं छलनी से पहले चांद को देखती है और उसके बाद अपने पति को। इसीलिए इस व्रत में छलनी का विशेष रूप से महत्व है। करवा चौथ का महत्व सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी करवा चौथ को बिल्कुल इसी परंपरा के साथ मनाया जाता है। विदेशों में भी करवा चौथ पर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। विदेशों में देसी वाइफ इंग्लिश पैच विदेशी में देसी वाइफ इंग्लिश लाइफ के बीच भी महिलाएं बखूबी संतुलन बनाकर चलती है। वेस्टर्न परिधानों की आदि हो चुकी ये महिलाएं जब भी धार्मिक और सांस्कृतिक सभ्यता की बात आती है, लेकिन विदेशों में व्रत की सामग्री मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन महिलाएं जो सामान मिलता है उसी में ही पूजा करती हैं। कई बार विदेशों में चांद जब आंख मिचोली खेलता है तो महिलाएं नेट पर मूर्त के अनुसार अपना व्रत खोलती है, क्योंकि इस मौसम में लगभग विदेशों में कई जगह ठंड पड़ने लगती है, जिसके चलते चांद बादलों में छुपा रहता है और महिलाओं को चांद का दीदार करने में काफी परेशानी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन विदेशों में लोग बड़े उत्साह के साथ एक साथ मिलकर सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं और त्योहार को हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं।
वो कहते हैं ना कि देश की मिट्टी की खुशबू त्योहारों के माध्यम से विदेशों तक पहुंच ही जाती है। जैसा कि कई तरह के पकवानों के साथ साथ ये त्योहार महिलाओं के आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। इस दिन महिलाएं दिन भर भूखे प्यासे रहकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। ये त्योहार आत्मविश्वास के साथ साथ संस्कृति को भी दर्शाता है। लोग चाहे जितने मॉडर्न हो जाएं, चाहे सदियां क्यों ना बदल जाएं, लेकिन लोगों के मन में आस्था से ये दर्शाती है कि हम चाहे देश में रहें या विदेश में, हमारे साथ हमारे संस्कार हमेशा साथ रहते हैं। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। मिलते हैं नए विचार के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।